नमस्कार, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं मनोज कुमार चित्तोड़ा, सीनियर लेक्चरर मैकेनिकल एंड प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा, एक बार फिर आपके समक्ष मेरा नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर हम स्टीम टर्बाइन की वर्किंग और उसके विभिन्न पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। उसपे जाने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि स्टीम टर्बाइन किसी भी पावर प्लांट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। और इसकी वर्किंग जो होती है, किसी भी थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग हम जानते हैं कि रैंकाइन साइकिल के ऊपर काम करती है। और रैंकाइन साइकिल का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जहां पर हमारे को मैकेनिकल पावर मिलती है। यानी ये जो डिवाइस होता है, ये जो कंपोनेंट होता है स्टीम टर्बाइन, ये बेसिकली स्टीम की जो हीट एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। अब ये कार्य किस तरीके से होता है इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसे इस स्लाइड के अंदर दिखाया गया है, आप यहां चित्र के अंदर देख रहे हैं कि एक ब्लेड लगी हुई है, उस ब्लेड के ऊपर स्टीम मूव कर रही है। तो बेसिकली स्टीम टर्बाइन जो प्राइमोवर कहलाता है उसके ऊपर क्या होता है कि जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम बॉयलर से आती है वो सबसे पहले एक नोजल के अंदर जाती है। नोजल के अंदर कन्वर्जन डाइवर्जन टाइप ऑफ नोजल होता है। नोजल की वर्किंग हम जानते हैं कि नोजल बेसिकली प्रेशर एनर्जी को हाई काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। अर्थात नोजल के अंदर क्या होता है कि पहले प्रेशर एनर्जी को रिड्यूस किया जाता है और उस प्रेशर एनर्जी को हाई काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जब यह हाई काइनेटिक एनर्जी की स्टीम आकर के टर्बाइन की ब्लेड के ऊपर टकराती है तो टर्बाइन के ब्लेड को रोटेट करने की कोशिश करती है, लेकिन होता क्या है कि टर्बाइन के ब्लेड जो होती है वो फिक्स होती है, जिसका अभी अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो टर्बाइन की ब्लेड रोटेट नहीं हो पाती, उसके ऊपर एक्शन थ्रस्ट लगता है, उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगता है। तो जब टर्बाइन की ब्लेड रोटेट नहीं हो पाएगी तो टर्बाइन की ब्लेड जिससे अटैच है तो वो रोटर रोटेट होने लगता है। और रोटर जो होता है बेसिकली एक बेयरिंग के ऊपर लगा रहता है, बेयरिंग के अंदर एक शाफ्ट लगी रहती है। तो जब आपका रोटर रोटेट होगा तो आपका टर्बाइन की शाफ्ट भी रोटेट होगी। जब टर्बाइन की शाफ्ट आपकी रोटेट होगी तो हमारे को मैकेनिकल पावर मिलेगी। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या होता है, देखिएगा होता क्या है कि जो टर्बाइन की ब्लेड होती है, दो तरीके की ब्लेड नॉर्मली टर्बाइन के अंदर लगाई जाती है, एक सेमी सर्कुलर ब्लेड होती है और एक एयरफॉइल ब्लेड होती है। नॉर्मली क्या होता है कि ब्लेड के ऊपर जो होता है एक्चुअली वेलोसिटी में परिवर्तन आता है, अर्थात वेलोसिटी में परिवर्तन आने की वजह से मोमेंटम में परिवर्तन आता है। तो जब आप जैसे यहां पर हम देख रहे हैं यदि हाई वेलोसिटी जेट ऑफ स्टीम यहां आ रहा है तो पहले यहां आएगा, फिर इसकी डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी और इस डायरेक्शन चेंज की वजह से वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में यदि चेंज आएगा आपका तो मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा। और न्यूटन के सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो इंपल्सिव फोर्स के बराबर होता है, और यही इंपल्सिव फोर्स जो होता है वो ब्लेड के ऊपर टकराता है, ब्लेड को मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेड क्योंकि अटैच होती है रोटर की सहायता से तो वो रोटर को मूव करता है, और रोटर मूव होता है तो आपका बेसिकली टर्बाइन की शाफ्ट भी आपकी मूव होती है। जब आपकी टर्बाइन की शाफ्ट मूव करेगी तो टर्बाइन की शाफ्ट जो होती है वो जनरेटर की शाफ्ट से कपल्ड होती है, दोनों शाफ्ट एक दूसरे से कपल्ड होती है। अब जब टर्बाइन का रोटर घूम रहा है, टर्बाइन की शाफ्ट घूम रही है तो निश्चित रूप से जनरेटर की शाफ्ट भी घूमेगी, और जब आपके जनरेटर की शाफ्ट घूमती है तो जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होगी, हमेशा जीरो, जीरो से 180 डिग्री, वापस जीरो, जीरो से 180 डिग्री, इस तरह से डायरेक्शन कंटिन्यूअसली उसकी चेंज होगी। उसके अंदर आर्मेचर की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होगी आपकी, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और फैराडे का नियम ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है, अर्थात ड्यू टू रोटेशन ऑफ टर्बाइन शाफ्ट जनरेटर शाफ्ट रोटेट कर रही है, जनरेटर शाफ्ट के रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ नथिंग बट दिस इज ए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इस तरीके से स्टीम टर्बाइन के द्वारा, इस प्रिंसिपल के ऊपर स्टीम टर्बाइन के द्वारा पावर जनरेशन होती है। अर्थात शॉर्ट में यदि हम समझे तो होता क्या है कि जो हाई वेलोसिटी की स्टीम जो नोजल से निकल रही है वो जब टर्बाइन की ब्लेड से टकरा रही है तो वो बेसिकली इंपल्सिव फोर्स जनरेट कर रही है,
उस इंपल्सिव फोर्स की वजह से टर्बाइन की शाफ्ट घूम रही है, उसकी वजह से जनरेटर की शाफ्ट घूम रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। इस तरीके से स्टीम टर्बाइन बेसिकली वर्क करता है। यानी बेसिकली स्टीम टर्बाइन क्या कर रहा है, जो स्टीम की हीट एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है और इस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अब इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं स्टीम टर्बाइन के अंदर, मेनली चार पार्ट यहां पर आपको दिखाए हुए हैं। ये मेन मेन पार्ट यहां पर मैं डिस्कस करूंगा। इसमें नोजल होते हैं, रोटर होता है, इसमें ब्लेड होती है और केसिंग होती है। देखिएगा, जैसे मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था कि इसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो नोजल होता है। नोजल के अंदर क्या होता है कि जब आपकी स्टीम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम आपकी आ रही है बॉयलर से, क्योंकि आज का ट्रेंड ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रेशर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर लेना चाहते हैं, सुपर क्रिटिकल बॉयलर हम डेवलप कर रहे हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर की स्टीम आती है। लेकिन हमारे को जो टर्बाइन के अंदर चाहिए वो अपने को हाई वेलोसिटी की स्टीम चाहिए, तो वो कन्वर्ट करता है बेसिकली नोजल। तो जैसे भी हाई वेलोसिटी की हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम नोजल के अंदर आएगी तो नोजल जो क्या करेगा, इसको हाई वेलोसिटी की स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर देगा। वो कैसे करेगा, प्रेशर को रिड्यूस करके, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन से यदि प्रेशर एनर्जी रिड्यूस होगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी एनर्जी बढ़ेगी और ये काम बेसिकली आपका नोजल करता है, अर्थात नोजल के अंदर एक्सपांशन ऑफ स्टीम होता है। ये हाई वेलोसिटी ऑफ जेट स्टीम फिर क्या करती है, जैसा मैंने पहले वर्किंग के टाइम पे भी डिस्कस किया था कि ये फिर जाकर के ब्लेड से टकराती है। अब ब्लेड से टकराने से दूसरा जो कंपोनेंट है ब्लेड किसके ऊपर लगी रहती है, रोटर के ऊपर लगी रहती है, तो दूसरा जो कंपोनेंट है एक रोटर, यहां पर आपको रोटर होता है, ये भी मेन कंपोनेंट है। रोटर बेसिकली एक शाफ्ट और उसके ऊपर बियरिंग के ऊपर अटैच होता है, ये बियरिंग के ऊपर माउंटेड होता है जिसकी तरह से ये आसानी से स्मूथली रोटेट कर सके और सारी ब्लेड्स जो होती है इस रोटर के ऊपर आपकी लगी होती है। अब देखिएगा किस तरह से ब्लेड्स इसके ऊपर लगी होती है, इसको हम इस फिगर की सहायता से समझ सकते हैं। ये आपकी सर्कमफेरेंस दिखाई हुई है रोटर की और इसके ऊपर ये ब्लेड्स आपकी लगी हुई है। इसी तरह से ये आपका रोटर दिखाया हुआ है, इसके ऊपर ये आपकी ब्लेड्स लगी हुई है सारी की सारी। इसी तरीके से ये रोटर दिखा रखा है, ये ब्लेड्स लगी हुई है और इससे इसी से अटैच आपका ये नोजल दिखाया गया है आपका, ठीक है। तो अब आपका आता है साहब कि रोटर जो होता है बेसिकली डिफरेंट टर्बाइन्स के हिसाब से रोटर अलग अलग तरीके के रोटर्स होते हैं। यदि हम इंपल्स टर्बाइन की बात करेंगे तो इंपल्स टर्बाइन के अंदर बेसिकली डिस्क टाइप रोटर काम में लिया जाता है। इंपल्स टर्बाइन के अंदर जो रोटर काम में लिया जाता है वो डिस्क टाइप रोटर काम में लिया जाता है, क्योंकि बेसिकली इंपल्स टर्बाइन के अंदर जो सारा प्रेशर ड्रॉप होता है वो प्रेशर ड्रॉप होता है आपके नोजल के अंदर, ब्लेड के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, इसलिए इतने स्ट्रेसेस नहीं आते हैं, तो उसकी वजह से हम डिस्क टाइप रोटर को इंपल्स टर्बाइन के अंदर काम में ले सकते हैं। लेकिन रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है कि जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो मूविंग ब्लेड के साथ साथ आपके स्टेशनरी ब्लेड के ऊपर भी होता है, तो दोनों ब्लेड्स के ऊपर यदि आपका प्रेशर ड्रॉप होगा तो एक्सियल थ्रस्ट क्रिएट करेगा। तो यदि हम डिस्क टाइप काम में लेंगे तो डिस्क जो होती है वो बेसिकली एक एक्शन थ्रस्ट को क्रिएट करती है, तो उस एक्शन थ्रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि डिस्क की जगह पर एक ड्रम टाइप रोटर काम में लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे को एक्शन थ्रस्ट जो प्रेशर डिफरेंस के कारण आ रहा है उसको तो मेंटेन रखना है, क्योंकि यदि उस एक्शन थ्रस्ट को हम अवॉइड कर देंगे रिमूव कर देंगे तो हम रोटर को रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो रिएक्शन टर्बाइन जिसके अंदर ड्रम टाइप रोटर काम में लिया जाता है उसके अंदर बेसिकली जो ड्रम टाइप रोटर होता है उसकी डिजाइन जिसे हम डिजाइन जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब रिएक्शन टर्बाइन में रोटर भी क्या होता है, कई तरह के रोटर सॉरी ड्रम टाइप रोटर बनाए जाते हैं। पहले क्या होता था, एक सिंगल ड्रम टाइप रोटर बनाया जाता था लेकिन उसका खुद का वेट इतना हो जाता था, उसका इनर्शिया इतना हो जाता था कि जिसकी वजह से उसकी वजह से और थ्रस्ट उसके ऊपर आने लगता था। इसलिए आजकल क्या करते हैं, हम स्प्लिट टाइप ऑफ ड्रम टाइप रोटर बनाते हैं, यानी कभी दो पार्ट में बनाते हैं, कई जगह पर मल्टी पार्ट के अंदर भी हम ड्रम टाइप रोटर्स को बनाते हैं। अब आता है ब्लेड।
जैसा मैंने कहा था कि ड्रम के पूरी पेरिफेरी के ऊपर ब्लेड लगी रहती है, ब्लेड अलग अलग साइज की होती है। कुछ इंपल्स टर्बाइन की यदि मैं बात करूंगा तो सेमी सर्कुलर टाइप ऑफ ब्लेड काम में ली जाती है, यदि मैं रिएक्शन टर्बाइन की बात करूंगा तो एयर फॉइल टाइप ब्लेड काम में ली जाती है, यानी शेप के आधार पर भी ये होता है। और ब्लेड के पासेस के आधार पर बेसिकली ब्लेड वहीं पर सारा मोमेंटम में चेंज होता है, जिससे आपका बेसिकली क्योंकि ब्लेड के शेप से ही सारा मोमेंटम डेवलप हो रहा है, ब्लेड के ऊपर ही सारे वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है जिससे मोमेंटम हो रहा है, और मोमेंटम की वजह से हमारे को पावर मिल रही है, यानी इंपल्सिव फोर्स मिल रहा है, और इंपल्सिव फोर्स की वजह से ही आपका रोटर रोटेट हो रहा है। तो अब आता है कि साहब कौन कौन से अब स्ट्रेसेस इसके ऊपर आते हैं, क्यों हम ब्लेड को बहुत ज्यादा मजबूत बनाते हैं, जब हम ब्लेड को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएंगे तो उसके ऊपर ये डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं जिनके ऊपर ब्लेड की मजबूती आपकी निर्भर करती है। उसमें नंबर एक हाई टेम्परेचर, वहां पर स्ट्रेसेस बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस होता है। दूसरा स्ट्रेसेस आते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, उसमें नंबर एक है जैसे टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है ड्यू टू फ्लूइड फोर्स है, एक्ट ऑन द ब्लेड इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, स्ट्रेस ड्यू टू वाइब्रेशन की वजह से स्ट्रेसेस आ रहे हैं, थर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ ब्लेड रूट एंड ड्यू टू थर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ इरोजन और कोरोजन रेजिस्टेंस का भी हमारे को ध्यान में रखना पड़ता है, इस वजह से हम ब्लेड मटेरियल को ऐसा सिलेक्ट करते हैं जो स्ट्रांग हो, साथ इन सारे फैक्टर्स को पूरा करे, और जनरली निकल क्रोमियम की ब्लेड जनरली काम में ली जाती है। अब जो हमने देखा है कि जो सारी ब्लेड है, रोटर है, आपका नोजल है, ये सारे के सारे एक केसिंग के अंदर बंद होते हैं, जिससे स्टीम का किसी भी प्रकार से लीकेज नहीं हो और कंपोनेंट की सेफ्टी हो। अब ये सारे कंपोनेंट किस तरीके से लगे हुए थे हम इस फिगर की सहायता से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि तीन स्टेजेस टर्बाइन का फिगर मैंने यहां पर बनाया है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये आपकी ब्लेड लगी हुई है रोटर के ऊपर, और ये सारी ब्लेड सराउंडेड होती है, चारों तरफ से बंद होती है। अदरवाइज क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हो सकता है स्टीम बाहर चली जाए, हो सकता है किसी प्रकार का डैमेज हो जाए, तो ये सराउंडेड होती है, बंद होती है, और इनका अरेंजमेंट जो होता है जो प्रैक्टिकली इस तरीके से आपका होता है। इस तरह से आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि टर्बाइन किस तरीके से काम करता है, टर्बाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इनको आप यदि ढंग से इस वीडियो को देखेंगे तो आप इसमें कई सारे पॉइंट्स को पढ़ पाएंगे, कई सारे पॉइंट्स को समझ पाएंगे, और ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रैक्टिकल पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।